हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के नाइस विद अर्जुन सर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज यूपी ट्रिपल एससी की लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम था। तो उस एग्ज़ाम की जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, फुल सॉल्यूशन है इसमें, जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हैं सभी आपके लिए हैं। तो फ्रेंड्स, कितना कट ऑफ जा सकता है वह भी इस वीडियो में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है, किस टाइप के इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो कुछ विद्यार्थियों ने मुझको ये प्रश्न भेजे हैं और अभी और जब प्रश्न आ जाएंगे तो मैं आपको उन प्रश्नों को भी बता दूंगा। ये प्रश्न पूछा गया था कि यूरेनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम को क्या कहते हैं और बल की इकाई क्या है। आप यहीं से समझ लीजिए कितना आसान पेपर था। और ऊष्मा विकिरण अवशेषी जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी। आपको लुसेंट की किताब में ये सब कुछ मिल जाएगा। लुसेंट में दिया हुआ है साफ साफ कि एक्सरे की खोज रॉन्टजेन ने की थी। और समय का जो मापक है एसआई पद्धति के अनुसार वो क्या है, सबसे न्यूनतम इकाई क्या है, जो सेकेंड होता है वो पूछा गया है। इसी तरह से पूछा गया कि किस विटामिन को कोबालमिन कहते हैं। तो कोबालमिन विटामिन B12 को कहते हैं, सबको मालूम है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, साइंस सही था, कि फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है। आंवला है, दूध है, आलू है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये भी काफ़ी आसान था। दूध में फास्फोरस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी जल में घुलनशील होती है, नहीं, और विटामिन सी भी जल में घुलनशील होती है। तो कुल मिलाकर के उत्तर तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेन बात यह है समझना आपको कि प्रश्न किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। और जिनका शाम को पेपर है वो लोग भी देख लें पेपर का पैटर्न क्या है, और जिनका पेपर कल सुबह और कल शाम को वो भी देख लें कि पेपर का पैटर्न क्या है। फिर पूछा, खट्टे फलों के सेवन से कौन सा रोग ठीक हो जाता है। दो चार रोगों के नाम थे जिसमें से स्कर्वी रोग के लिए होता है। और विटामिन सी जो होता है वो खट्टी चीज़ों में मिलता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। उन विकल्पों में बताते हैं विद्यार्थी कि स्कर्वी भी ऑप्शन में था। फिर था कि पृथ्वीराज रासो, हिंदी के कुछ क्वेश्चन भी भेजे विद्यार्थियों ने, कि पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखी गई। तो ये आदिकाल में लिखी गई थी। चंद्रवरदाई जो इनके एक कवि थे उन्होंने इसको लिखा था। बैठक में कौन सा प्रत्यय है पूछा गया था, कितना आसान है। मैंने प्रत्यय और उपसर्ग के लिए एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को उसमें बताया था। हिंदी के तो काफ़ी क्वेश्चन मेरी वीडियो से आ गए हैं। अक प्रत्यय होगा इसमें, बैठ अक, और प्रत्येक में उपसर्ग पूछा है, प्रति प्लस एक, तो प्रति इसमें उपसर्ग होगा ये वाला क्वेश्चन। और इसी तरीके से नागार्जुन की रचना पूछी गई थी, भारत भारती भी पूछी गई थी। पार्श्विक कौन सा व्यंजन है, तो पार्श्विक ला होता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया भी था। जो रा होता है वो लुंठित व्यंजन होता है, जो पार्श्विक व्यंजन ला होता है। और भारत भारती के बारे में मैंने विस्तार से बताया था कि 1912 में इसकी रचना मैत्री शरण गुप्त ने की थी, और इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में ये बहुत काम आई और इसीलिए मैत्री शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया। तो भारत भारती जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। इसी तरीके से बहुत ही आसान आसान विलोम पूछे गए थे, जैसे सदाचार का विलोम क्या होगा, तो कौन सा गलत है, चार विकल्प दिए थे। दुराचारी नहीं होगा, दुराचार होगा। सदाचार का विलोम दुराचार होता है, दुराचारी नहीं होता। इसी तरीके से समष्टि का व्यष्टि भी पूछा गया था और उसी में था। और फिर GS के कुछ क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, सैनिकों का वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था। तो सैनिकों का जो वेल्लोर विद्रोह था वो 1806 में हुआ था, उनमें से एक विकल्प था। महाराणा रणजीत सिंह अंग्रेजों की संधि, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में जो संधि थी अमृतसर की, वो कब हुई थी। तो ये जो संधि हुई थी ये 1809 में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, काफ़ी चर्चित था। और सऊदी अरब ने अभी जायद पुरस्कार किसको दिया। करंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, करंट के दो चार क्वेश्चन थे और वो लगभग सभी विद्यार्थियों ने उनको कर भी लिया। सऊदी अरब ने कौन सा पुरस्कार दिया, तो ये नरेंद्र मोदी को दिया था। अभी हाल ही में बहरीन भी गए थे, सऊदी अरब भी गए थे, और उसके बाद में रूस भी गए थे। तो इन तीनों देशों ने अपने राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार दिया था। और इसके बाद में अगला प्रश्न था भूगोल का, कि टिन का अग्रणी देश कौन सा, तो मलेशिया। और बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक किस देश में होता है, उत्पादन देख लीजिएगा।
टिकटॉक कौन सी कंपनी का ऐप है, रिलायंस जियो ने अभी हाल ही में किसके साथ समझौता किया, किस कंपनी के साथ में, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, कितना आसान क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता। और इसके बाद में अगला प्रश्न है कि 1975 में भेजा गया उपग्रह का नाम क्या है, भारत ने जो भेजा था उसका नाम था आर्यभट्ट। सभी विद्यार्थियों को पता है और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसको सही कर भी लिया होगा। 2019 में इंटरनेट के लिए एक महासम्मेलन भारत के किस शहर में होगा, बंगलौर, हैदराबाद, मुंबई, इस तरीके के विकल्प थे कुछ, तो एक ये पूछा गया था। और एक पूछा गया था कि व्हाट्सएप के CEO कौन है, और एक हिंदी का प्रश्न आया था उसमें शीर्षक पूछा गया था एक कविता का। तो ये कुछ क्वेश्चंस आगे मेरे पास वो मैंने आप लोगों को बता दिए, कुछ और क्वेश्चंस आ जाएंगे तो भी मैं भी अभी आप लोगों को बता दूंगा। तो आपको केवल देखना है कि किस तरीके का पैटर्न हो सकता है, कि ये प्रश्न तो रिपीट नहीं करेंगे लेकिन आपको इससे नॉलेज मिल जाएगा कि आखिरकार प्रश्न किस तरीके के आ रहे हैं। अच्छा, एक बात मोटी मोटी कर लेते हैं कि अब मेरिट कितनी जा सकती है। अब आपको तो घबराने की बात नहीं, कुल मिलाकर के आप लोग एग्जाम दीजिए अच्छी तरीके से। और ये कुछ मैथ के भी प्रश्न हैं जो अभी अभी आए हैं कि 8 रुपये 8 पैसे को दशमलव में किस तरीके से लिखेंगे, 8.08। और इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि ए नल 30 मिनट में भरता है किसी टंकी को, बी 60 मिनट में भरता है और सी 45 मिनट में खाली करता है, तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो कितने मिनट में टंकी खाली होगी या भरेगी। तो इसका भी आंसर 36 मिनट के लगभग आ रहा है, देख लीजिएगा जो भी सही हो। और इसी तरीके एक और प्रश्न है कि ए 8 घंटे में काम करता है, काम ख़त्म करता है, बी 12 घंटे में काम ख़त्म करता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में काम ख़त्म करेंगे, उसमें दिन लिखा हुआ है और कहीं पर घंटा लिखा हुआ है, तो वो प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा है विद्यार्थियों को। तो इस तरीके के प्रश्न मैथ में आए हैं, मैथ भी काफ़ी आसान थी। तो जो कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो कट ऑफ इसकी हो सकती है लगभग 120, हालांकि ये प्री है, इसमें लगभग 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थी पास होंगे तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। तो कट ऑफ की बात करें तो 115 से लेकर के 120, ये इसलिए कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि पहली बात तो 50% विद्यार्थी केवल अपीयर हो रहे हैं, एक सेंटर की बात नहीं है, कम से कम 20-25 सेंटरों के विद्यार्थियों ने मुझसे बताया है कि उनकी क्लास में आधे से भी कम लड़के उपस्थित हैं। तो एक तो बात ये रही कि दूर सेंटर की वजह से मौसम ख़राब रहा, विद्यार्थी गए नहीं, हालांकि पढ़ने वाले विद्यार्थी सभी गए होंगे, ऐसे विद्यार्थी नहीं गए होंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी। तो और लड़के कई गुना इसमें पास होंगे और पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी आसान आया था, नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की थी, विद्यार्थियों ने अटैम्प्ट भी खूब किया है और इस वजह से कट ऑफ क्योंकि ज़्यादा जा रही है तो मैंने इसको बताया आपको 115 से 120। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल जल्दी से रिवाइज कर लीजिए जिनका पेपर है, और ये हो गया आज का वीडियो। कुछ और अपडेट्स आएगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।